अगर आप इन्वेस्टिंग की फील्ड में बिल्कुल नए हैं और आप कम से कम रिस्क पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो FD आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि आपको अपना पैसा आखिर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। FD यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। जब भी कोई पर्सन अपना पैसा एक फिक्स टाइम के लिए अपने बैंक में जमा कराता है तो उसी को फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है, और ये फिक्स टाइम 7 दिन से लेकर 10 साल तक का होता है, जिसका इंटरेस्ट आपको उसी टाइम के हिसाब से मिलता है। FD की फैसिलिटी ऑलमोस्ट हर बैंक में अवेलेबल होती है। बस इसके लिए आपको अपने बैंक में जाना होता है और FD का फॉर्म फिल करके उसको सबमिट करना होता है। फिक्स डिपॉजिट एक लो रिस्क एंड लो रिटर्न्स की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपके पैसे डूबने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% होते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कितनी रिटर्न्स आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट हर बैंक में अलग अलग होता है, लाइक किसी में 7%, किसी में 9% तो किसी में 11%। मान लीजिए आपका बैंक आपको अगर 10% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है तो अगर आप उसमें 1 साल के लिए अपने 1,00,000 रुपये की FD कराते हैं तो 1 साल बाद आपका अमाउंट हो जाएगा 1,10,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। और उसी इंटरेस्ट रेट पर अगर आप 5 साल की FD कराते हैं तो 5 साल बाद आपके 1,00,000 रुपये बन जाएंगे 1,50,000 रुपये। तो इस तरह आप FD में अपना पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। वेल, एट द एंड अगर यहाँ पर कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है, और अब मैं आपको FD के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बता देता हूँ जिनको आपको FD कराने से पहले ज़रूर ध्यान में रखना है। नंबर 1, FD आपको उन्हीं पैसों की करानी चाहिए जिन पैसों की आपको ज़्यादा टाइम तक ज़रूरत ना हो। मतलब मान लीजिए अगर आप 1 साल के लिए FD कराते हैं पर 6 महीने में ही आप अपना पैसा वापस निकाल लेते हैं तो उस केस में आपका इंटरेस्ट रेट 1-2% माइनस में चला जाता है। मतलब किसी बैंक में अगर आपको 9% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो उसमें आपका इंटरेस्ट रेट घटकर 7-8% हो जाता है, और इसी के साथ आपको कुछ पेनल्टीज भी देनी पड़ती हैं। नंबर 2, वैसे तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ बट किसी वजह से इन फ्यूचर अगर आपका बैंक बैंकरप्ट हो जाता है तो उस केस में आपको सिर्फ 1 लाख तक ही वापस मिल सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपने किसी बैंक में 3 लाख की 1 साल के लिए FD कराई है तो उस बैंक के बैंकरप्ट होने के बाद गवर्नमेंट आपको सिर्फ 1,00,000 रुपये वापस दे सकती है। बट जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, एंड आई होप आगे भी ऐसा कभी ना हो। तो ये थी एक फुल इन्फॉर्मेशन कि किस तरह आप FD में अपना पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एंड इसी तरह मैं आने वाली वीडियोस में कुछ और तरीके भी बताने वाला हूँ जिन तरीकों के नाम आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।